ये इधर से देखे, ये देखें साफियों के साथ बदतमीजी करें, ओए साफियों के साथ बदतमीजी करें, ये देखें, ओए हेलो खबरदार, ओए बदमाशी करते तुम, बदमाशी कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सहाफियों को मारने की जो है कोशिश की जा रही है, और बदमाशी जो है वो मुसलसल कर रहे हैं। असल में आज ये औरत मार्च है और कवरेज के लिए इनविटेशन दी गई थी जर्नलिस्ट को। जब वो यहाँ पे पहुँचे हैं, ना किसी शख्स को बात करने की इजाज़त दी जा रही है, ना किसी शख्स को कवरेज करने की इजाज़त दी जा रही है। कुछ ऐसे कैमरामैन मौजूद हैं मुख्तलिफ चैनल्स के, उनके कैमरे तोड़े गए, इसीलिए माहौल खुद ख़राब करके एक्चुअली ये अपने मार्च को प्रोपेगेंडा के तहत जो है ना हाइप देना चाहते हैं। हाइप देने के लिए इन्होंने वही हथकंडे इस्तेमाल किए। सवाल करने के लिए गए हैं तो धक्के दे रहे हैं, हम उनके राइट्स के लिए खड़े हुए हैं, हमें किसी चीज़ से खुद इन्विटेशन कार्ड दिया था कि आप देखें कि हमें बुलाया है, हम इतने मेन इवेंट्स छोड़कर सिर्फ वुमेन राइट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि आज वुमेन का दिन है, इंटरनेशनल डे है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मिसबाह निशा रलवानी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं फाइनल वर्ल्ड न्यूज़। दर्शक मैं औरत मार्च में मौजूद हूँ और यहाँ पर हालात जो हैं वो काफ़ी कशीदा हो चुके हैं, लड़ाई जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है सहाफ़ियों में और यहाँ पर जो है पुलिस, और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर जो यहाँ पर मौजूद हैं औरत मार्च में आई खवातीन जो हैं उनमें आपस में जो है वो तसादम हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और ये यहाँ पर खवातीन मर्द जो हैं उनमें आपस में लड़ाई हो चुकी है। सहाफ़ी जो हैं इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर जो है तशद्दुद किया जा रहा है, हमें कवरेज नहीं करने दी जा रही। यहाँ पर जो है लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद हैं, सहाफ़ी जो हैं यहाँ पर नाराबाजी कर रहे हैं, उनकी जनब से यही कहना है कि हम यहाँ पर कवरेज करने हैं, बाइज्जत जो है हमें कवरेज नहीं करने दी जा रही, बल्कि हम पर यहाँ पर तशद्दुद किया जा रहा है और इसके साथ साथ जो है हमें मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं और हमें डराया धमकाया जा रहा है कि हम आपको जो है जेलों में दे देने के। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है काफ़ी मीडिया के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर खवातीन सहाफ़ियों को भी मारा गया है, उसके साथ साथ जो है बाकी बहुत से लोग। सर अस्सलाम वालेकुम, सर वालेकुम सलाम, क्या मामला बन गया, हुआ क्या है? असल में आज ये औरत मार्च है और कवरेज के लिए इन्विटेशन दी गई थी जर्नलिस्ट को। जब वो यहाँ पे पहुँचे हैं, ना किसी शख्स को बात करने की इजाज़त दी जा रही है, ना किसी शख्स को कवरेज करने की इजाज़त दी जा रही है। कुछ ऐसे कैमरामैन मौजूद हैं मुख्तलिफ चैनल्स के, उनके कैमरे तोड़े गए, इसीलिए माहौल खुद ख़राब करके एक्चुअली ये अपने मार्च को प्रोपेगेंडा के तहत जो है ना हाइप देना चाहते हैं। हाइप देने के लिए इन्होंने वही हथकंडे इस्तेमाल किए और उनको उस पर उभारा है, जोश दिया है। और जाहिर बात है जब आप किसी की चीज़ को तोड़ोगे, आपके सामने माइक करते हैं, सवाल पूछ रहे हैं, तो आप उसका आंसर करें और अदरवाइज आप कहते हैं नो कमेंट्स। तो यहाँ पे ये सूरत हाल जो है ना खुद मैनेजमेंट की तरफ से क्रिएट की गई है, मतलब कि जो मैनेजमेंट है वो ये सारा कुछ कर रही है। ऑब्वियसली इसमें कोई आपके सामने यहाँ पर जो है कुछ मीडिया के लोगों की तस्वीरें बनाई जा रही हैं और उनकी पिक्चर बनाई जा रही हैं, उनको हरासा करने की कोशिश की जा रही है। देखें जिनकी तस्वीरें बनाई जा रही हैं, जिनके यहाँ पे पोर्ट्रेट्स लगाए गए हैं, ये एक गंदी जहनीत की अक्कासी करते हैं कि आप आज़ादी की बात कर रहे हैं, आज़ादी का नारा लगा रहे हैं, और अगर कोई आज़ादी इजहार राय के साथ बात करना चाहता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है, तो आप उसके पोर्ट्रेट्स लगा दें इस तरीके से। तो यहाँ पे किसी फीमेल का कोई पोर्ट्रेट नहीं लगाया इन्होंने, फीमेल भी जर्नलिस्ट मौजूद हैं, मीडिया पर्सन हैं, वो भी बात करती हैं, लेकिन ये ऐसा दिया जा रहा है कि ये डिवाइड किया जा रहा है मर्द और ख़वातीन के दरमियान। तो मेरे तजिए के अंदर मेरे देखने में तो ये सारी चीज़ें मिली हैं। नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद थे, यहाँ पर सूरत हाल जो है वो काफ़ी कशीदा हो चुकी है, पुलिस की तादाद भी यहाँ पर बहुत सारी देखने को मिल रही है और यहाँ पर जो है मीडिया के लोग जो हैं वो काफ़ी गम गुस्से में नज़र आ रहे हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया गया, उनका कैमरे तोड़े गए हैं और अभी बताया जा रहा है कि यहाँ पर पुलिस जो है वो भी यहाँ पर काफ़ी तादाद में पहुँच चुकी है। यहाँ पर सूरत हाल हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर इस वक्त जो है माहौल काफ़ी गर्म हो चुका है, कशीदा सूरत हाल है और यही कहा जा रहा है कि पुलिस भी यहाँ पर पहुँच चुकी है और मीडिया के लोगों को जो है मारने की कोशिश की जा रही है। और इसके साथ जो है ये देख सकते हैं ये जो सहाफ़ी जो हैं यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं, उनको बाकायदा बुलाया गया था कवरेज के लिए, लेकिन उन पर जो है वो तशद्दुद किया जा रहा है। इस वक्त सूरत हाल जो है काफ़ी यहाँ पर जो है अजीब सी नज़र आ रही है। यहाँ पर वकला भाई जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे भी बात करिए। अस्सलाम वालेकुम सर, सानू माफी दे दो सर, क्या मामला हुआ? तगड़े हो तुझी, तगड़े हो, सानू माफी दे सर, आप हमारे अजीज, तुझी तगड़े हो भाई, सानू माफी दे दो, हमारे अजीज है, मामला क्या हुआ भाई? सानू पता ही नहीं, बाद साढ़े को आएगा कोई एफआईआर लैके दसांगे ना की मामला की ख्याल है, बस तुहाडे नाल एवें कि जरा
थोड़ी जी कूल जी जी है ना रिपोर्टिंग करो। थैंक यू। नहीं हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। ये यहाँ पर बड़ा अच्छा था, यहाँ पर वो वहाँ पर यहाँ पर ये हुआ है कि वो वाले लोग जो अपने घर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते वो यहाँ पे लोगों से क्वेश्चन पूछने आए हैं, बस डेट्स एंड। वही क्वेश्चन तो यहाँ पर ये मैं वही कह रहा हूँ, वो वाले क्वेश्चन घर पूछ लें आपको जवाब मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। क्या ख्याल है सर, लगता नहीं है कि यू कशीदगी की तरफ माहौल की नो? नहीं नहीं, कशीदगी की तरफ क्यों जाएगा, आपके सामने सिक्योरिटी अदारे यहाँ पे हैं, वो और फोर्सेज आ रही हैं, वो भी लोग बैठे हैं अपना मौकफ देने के लिए बैठे हैं। अगर अपना मौकफ कोई नहीं देना चाहता तो उसे ज़बरदस्ती आप मौकफ तो नहीं ले सकते। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ मौजूद है, कुछ वकला यहाँ पर मौजूद हैं और काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, और पुलिस की काफ़ी नफरी यहाँ पर पहुँच चुकी है, और यहाँ पर सहाफ़ी जो हैं इस वक्त जो है काफ़ी गर्म नजर आ रहे हैं। पुलिस की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँच चुकी है, ये देख सकते हैं आप, कर पुलिस के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर यह सूरत हाल है कि कुछ यहाँ पर बेहुदा जो है नारे सुनने को मिले, कुछ बेहुदा प्ले कार्ड देखने को मिले, जिसकी वजह से सहाफ़ी जो हैं वो काफ़ी यहाँ पर गर्म देखने को मिले। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कुछ खवातीन के कपड़े जो हैं यहाँ पर लगाए गए थे, और यहाँ पर कपड़े लगाने की वजह से जो है कुछ सहाफ़ी जो है इस गुस्से में आए कि इस तरह की बेहूदगी फैलाना जो है वो हमारा मज़हब जो है वो इजाज़त नहीं देता, हमारा जो जो इस्लाम है वो इस चीज़ की दावत नहीं देता, बल्कि इस चीज़ को रोकता है कि इस तरह के प्ले कार्ड उठाना और इस तरह के जो है कपड़े यहाँ पर लगाना। आप देख सकते हैं कि वो पुलिस वाला निकला हुआ है, वो फलां निकला हुआ है, आप यहाँ पर पुलिस को भी बदनाम कर रहे हैं। यहाँ पर सूरत हाल कुछ इस तरह बन चुकी है, आप देख सकते हैं कि मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाया तो यहाँ पर जो है कुछ कपड़े यहाँ पर जो है लगाए गए हैं, और कपड़े यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर खून आलूद किया गया है कि ये देख लो ये मेरे कपड़े हैं, ये फलां कपड़े हैं। आप इस सूरत हाल में आप देख सकते हैं कि माहौल जो है काफ़ी गर्म हो चुका है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए कि खवातीन जो हैं यहाँ पर औरत मार्च वाली, वो भी जो है कुछ अजीब से हरकतें कर रही हैं, और यहाँ पर साफी पर तशद्दुद किया जा रहा है। अभी माहौल आपने देखा और देख सकते हैं कि यहाँ पर मीडिया के काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि इनको इनविटेशन कार्ड दिया गया कि आपने हमारे औरत मार्च की जो है कवरेज करनी है, और औरत मार्च में आए कवरेज करने के लिए सहाफ़ियों को जो है तशद्दुद किया जा रहा है, उनके कैमरे तोड़े जा रहे हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो ये जो औरत मार्च की हवाले से बात की जाए तो ये कहती है कि जी औरतों के हकूक़ दिए जाएँ, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है खवातीन बेहूदा नारे लगा रही हैं, बेहूदा प्ले कार्ड उठा रही हैं, और एक प्ले कार्ड ऐसा भी देखा जिसको सुनने में जो है अजीब सी अपना कैफियत हुई कि हमें मौलवी से जो है चाहिए इजाज़त चाहिए, मौलवी से आज़ादी चाहिए, फलां से इजाज़त चाहिए, जाग जाग औरत जाग, और अजीब अजीब से यहाँ पर जो है वो नारे सुनने को मिले हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ़ी बड़ी तरह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप पर भी तशद्दुद हुआ है भाई? जब हम कवर कर रहे हैं, हम अलमानी साहब सवाल करने के लिए गए हैं तो धक्के दे रहे हैं, हम उनके राइट्स के लिए खड़े हुए हैं, हमें किसी चीज़ से खुद इनविटेशन कार्ड दिया था कि आपने कवरेज करनी है। आप देखें कि हमें बुलाया है, हम इतने मेन इवेंट्स छोड़कर सिर्फ वुमेन राइट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि आज वुमेन का दिन है, इंटरनेशनल डे है। इंटरनेशनल डे का ये मतलब नहीं है कि आप जो हैं मर्दों को धक्का दें, ये आपके हक में शामिल है। ये इधर से देखें, ये देखें, ये देखें, साफियों के साथ बदतमीजी करें, ओए साफियों के साथ बदतमीजी करें, ये देखें, ओए हेलो खबरदार, ओए बदमाशी करते तुम, बदमाशी कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सहाफियों को मारने की जो है कोशिश की जा रही है, और बदमाशी जो है वो मुसलसल कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि हमें प्रमोट किया जाए, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। और यहाँ पर सूरत हाल कुछ ऐसे बने। अस्सलाम वालेकुम सर। सॉरी, आप देख रहे हैं ये क्या हालात हो रहे हैं? बस ऐसा ही है, पाकिस्तान के हालात आपको पता ही है, ये गलत हो रहे हैं। आई थिंक हाँ सर, देख लीजिए आप, जब आप सहाफ़ियों को बुलाते हैं कि आप हमारी कवरेज करें, और फिर आप सहाफ़ियों पर तशद्दुद करते हैं, नहीं ये गलत है, सहाफ़ियों पर तशद्दुद नहीं होना गलत है। ये देखते हैं जी माहौल गर्म हो चुका है जी, यहाँ पर सहाफ़ियों पर तशद्दुद मुसलसल किया जा रहा है, और सहाफ़ी भी अपनी बात पर डटे हुए हैं कि हम हक और सच की बात करेंगे, हम जो है ये हकूक दिखाएँगे कि असल खवातीन के हकूक क्या होते हैं, और यहाँ पर जो है झूठ जो है वो फैलाना जो है नहीं चाहेंगे, बल्कि हम हकीकत बताएंगे कि यह हकीकत क्या है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अभी सहाफ़ियों पर जो है तशद्दुद किया गया, और कुछ सहाफ़ियों को जो यहाँ पर हरासा करने की कोशिश की है, लेकिन सहाफ़ी जो है बरवक्त यहाँ पर पहुँचे हैं और इस चीज़ को जो है कंट्रोल किया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और हालात बहुत ही बिगड़े हुए हैं। हम आपको अपडेट देते रहेंगे, अपने मेज़बान शाह रमानी को पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ से जा दीजिए, अल्लाह निगहबान।